नमस्कार, स्वागत है आप सबका तराना में। मैं हूं सुजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं तराना की नई पेशकश संगीत यात्रा। आज हमारे इस दूसरी कड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं विनय कुमार सिन्हा जी, जिन्हें शहर मुन्ना जी के नाम से भी जानती है। तो आइए सर से हम कुछ बात करें। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, जो आपने हमें अपने कीमती वक्त में से निकाल करके थोड़ा सा वक्त दिया ताकि हम आपसे कुछ बात कर सकें, आपके विचारों को जान सकें। तो बाकी की बात अभी नहीं से जानते हैं सर, अपने बारे में बताइएगा कि कहाँ से आपकी संगीत की यात्रा शुरू हुई। वैसे तो संगीत बचपन से ही था, गाता मैं बहुत बचपन से ही था, लेकिन सही में मेरी यात्रा शुरू हुई 1970 में। 1970 में मेरी शुरुआत हुई संगीत की, और वो सफ़र आज तक जारी है। विभिन्न कार्यक्रमों वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो 1970 में शुरुआत हुई। उस वक्त मैं वही 14-15 साल का रहा होऊंगा, उसी वक्त मेरी शुरुआत हुई। और ये शुरू मेरे पहले उस्ताद श्री यूएसपी सिन्हा, उदय शंकर प्रसाद सिन्हा, उनसे मैंने, उनके संपर्क में आए और उनसे हमने जो थोड़ी बहुत संगीत की जानकारी ली, और वही समय था जो मेरे संगीत यात्रा की शुरुआत थी। और फिर यूँ धीरे धीरे आगे की ओर मैं बढ़ता गया और अब तक मैं संगीत कर रहा हूँ। बताइएगा कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसे देख के आपको ऐसा लगा कि हमें संगीत में अपनी कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सुना तो मैं बहुत सारे लोगों का, लेकिन चूंकि मैं लाइट म्यूजिशियन रहा हूँ, मेरा ओरिजिन ही लाइट म्यूजिक से हुआ, और उस वक्त मैं गाता भी था। एक नॉर्थ बिहार बेस्ट संस्था थी मुजफ्फरपुर में, गुंजर परिषद के नाम से जाना जाता था, मैं उसी का एक सदस्य था। बाद में चल के मैं वहाँ का म्यूजिक डायरेक्टर बना, लोगों ने मुझे बनाया, और उस वक्त भी मैं गाता था तो मुझको रफ़ी के गाने बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैं उनको गाता था, और क्लासिकल की भी रुचि थी जो आगे चल के हमने गुरुजी से सीखा। फिर धीरे धीरे करके यूँ अपने आप मेरा बढ़ता चला गया। सबसे पहले जो हमने शिक्षा ली वो यूएसपी सिन्हा से, वो बहुत बड़े जानकार नहीं थे संगीत के, वो सारेगामा पधनिसा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उनके दिल दिमाग में कितने राग रागनियाँ थी कहीं नहीं जा सकती थी, और वैसे ही उन्होंने मुझको शिक्षा जो है सो दी। बाद में चल के मेरा संगीत, एक समय आया जो मुझको लगा कि ये ब्लॉक हो रहा है 1976 के आसपास में, और 1977 में मैंने अपने आदरणीय गुरुजी श्री संत लाल दास जी से मैंने विधिवत संगीत की शिक्षा शुरू की, जहाँ से मैंने क्लासिकल सीखा, और आज से 5 साल पहले तक वो जीवित थे, मैं उनसे शिक्षा लेता रहा, और आज भी संगीत की साधना में मैं लगा हूँ। सर आप हमें ये बताइएगा कि संगीत में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही। मैंने बतलाया ना कि जब मेरी संगीत की शुरुआत हुई तो उस वक्त मैं गुंजन परिषद में था, और वहाँ के लोगों ने मुझको म्यूज़िक डायरेक्टर बना दिया। फिर जब एक समय आया जब मुझको लगा कि मेरा संगीत ब्लॉक हो रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा, तब मैंने अपने गुरुजी श्री संत लाल दास जी से सीखना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरे संगीत में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ। और 1978 एंड 1979 ये 2 साल का मुझको रियाज
मुझको आकाशवाणी पटना तक पहुंचाया। मैं आकाशवाणी पटना सुगम संगीत का वहाँ आर्टिस्ट था। नियर अबाउट 1980 में मैं सुगम संगीत का आर्टिस्ट वहाँ बना, मेरा अप्रूवल हुआ और 1992 तक मैं आकाशवाणी से गाया हूँ। और उसके बाद से दूरदर्शन में जब कभी भी कोई स्पेशल कार्यक्रम हुआ करता था तो उसमें मुझको बुलाया जाता था स्पेशल कार्यक्रम के लिए। क्योंकि मेरी जो संगीत की यात्रा में एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं शुरू से क्रिएटिव क्रिएशन करने की जो बातें हैं वो मुझ में रहा है। और एक संगीतकार के लिए, ख़ासकर एक संगीत सीखने वाले लोगों के लिए या संगीत करने वाले लोगों के लिए, अगर क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएशन अगर नहीं है, तो वो फिर संगीत में चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो चाहे वो क्लासिकल हो, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कई एक रिकॉर्डिंग, कॉमर्शियल रिकॉर्डिंग भी मैंने कराया बहुत सारे लोगों का। मुजफ्फरपुर में कई एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने गवाया है अपने साथ में, और उस कॉमर्शियल रिकॉर्डिंग में हमने कई एक रिकॉर्ड जो है सो हमने यहाँ बनाया है। बाद में चल के फिर धीरे धीरे करके उससे, चूँकि मुजफ्फरपुर में वो फैलाव नहीं है, वो संगीत का फैलाव नहीं है, वो काम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कतें जो है सो आती हैं। लेकिन ये मेरा अचीवमेंट रहा है। लेकिन मैं अपने संगीत की साधना, जो संगीत की साधना है, वो आज भी मैं कर रहा हूँ। मैं भी सुबह उठता हूँ और नियर अबाउट 2-2.5 घंटे तो ज़रूर ही बैठता हूँ रियाज करने के लिए, और फिर शाम में बैठता हूँ तो शाम में भी करीबन 2-2.5 घंटे मैं रियाज करता हूँ। चूँकि संगीत में रियाज बहुत आवश्यक है, और यही कारण है कि आज भी मैं, हमारे एज ग्रुप के जो भी लोग थे हमारे समय के, बहुत सारे लोग तो छोड़ दिए, अभी 2 ही आदमी हैं हम लोग जो आज भी हम लोग मुजफ्फरपुर के म्यूज़िक फील्ड में हैं, और एक मैं हूँ और एक गुगो मेहता करके ऑर्गन प्लेयर हैं, बस यही 2 आदमी हैं। बाकी के तो सब बच्चे हैं, सब हैं, सब साथी ही हैं, लेकिन जो हमारे उम्र के जो हैं बस यही 2 आदमी रहे हैं अब तक हैं। और एक बात और बतलाऊं मैं, कि जब मैं अपने गुरुजी से सीख रहा था तो उस दरमियान हमारे गुरुजी को बाहर जाना पड़ा, वो नेत्रहाट स्कूल के वो म्यूज़िक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के वहाँ चले गए, तो मेरा सीखना थोड़ा बंद हुआ। तो हमारे जो गुरु बाबा हुए श्री सीताराम हरिदांडेकर, चूँकि वो जानते थे कि हाँ ये लड़का गाने बजाने में है और ये हमारे शिष्य का शिष्य है, तो मैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने हमको आवाज़ दी कि नहीं, तुमको आना है, तुम आओ मेरे पास। और आप मानिए, मैं 4-4.5 साल तक, नियर अबाउट 80 से जस्ट पहले और 83 के बाद तक, 84 तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, 84 में वो एक्सपायर किए, वो 84 तक मैं उनके यहाँ हर वीक के संडे के रोज़ मैं जाता था उनके यहाँ। चूँकि और दिन मुझको वक्त नहीं मिलता था, मैं जॉब करने लगा था। 1976 में मैं भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ मैं जॉब करता था, तो और दिन तो नहीं, लेकिन हाँ संडे के रोज़ मैं फर्स्ट हाफ में उनके पास में जाता था और उनको सुनता था। और एक वाकया बड़ा दिलचस्प है, मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, चूँकि ये शेयर मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये उन बच्चों के लिए, वो जो हैं लोग जो संगीत से सीखने वाले लोग हैं,
उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत जरूर होगा, क्योंकि मैं एक मरतबा नियर अबाउट 2-2.5 साल के आसपास में मुझको जाते हुए हो गया हुआ था, और मैं सिर्फ वहाँ जाता था, उनका वो जैसे जाता था मैं वहाँ, वो इंतज़ार ही करते रहते थे सुबह में, मैं गया, फिर वो निकले, संगीत रूम खुला, और फिर पहले हमारे गुरुजी आगे आगे बढ़ते थे, सीताराम हरी दांडेकर जी, और फिर उनके पीछे पीछे मैं चलता था। वो एक संगीत की का एक जगह बना हुआ था, वहाँ पे वो बैठते थे, और ठीक उनके सामने में बैठकर मैं उनका गाना सुनता था। नियर अबाउट उनका जितना मन करे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैं उनके सामने में बैठकर मैं सिर्फ और सिर्फ सुनता था। 2-2.5 साल मुझको गए हुए हो गया, तो कुछ लोगों ने मुझको थोड़ा सा ये किया, अरे आप इतने दिन से जा रहे हैं मुन्ना जी, और आपने कुछ गुरु जी आपको सिखलाए नहीं, आप कुछ बोलिए तो सही अपने बड़ के गुरु जी को। मैंने उनसे एक दिन मैं गया और कहा, थोड़ा सा मैं भी गुस्साया हुआ था, कह रहे नहीं गुरु जी आप हमको सिखलाइएगा कि नहीं, मैंने यही सवाल किया उनसे। तो वो फुलवारी में किरौनी कर रहे थे, ऐसे करके घूम के उन्होंने देखा हमको, अरे क्या बात है मुन्ना आज तुम बड़े गुस्से में हो, आप ना नहीं नहीं आप हमको सिखलाइएगा कि नहीं, अच्छा चलो 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 संगीत रूम में चलो। संगीत रूम में बस हर जैसे हम लोग आते थे संगीत रूम में, संगीत रूम खोलते थे वो, सामने में बैठते थे वो, फिर उनके सामने में मैं बैठ जाता था और संगीत का कार्यक्रम शुरू हो जाता था, वो गाना शुरू कर देते थे, और वो वैसे ही उस रोज़ भी हुआ। मैं ठीक उनके सामने में बैठा, गाना हुआ, नियर अबाउट 1-1.5 घंटे तक वो गाए, और गाने के बाद मेरा जो सारा गुस्सा था वो मेरा बदल गया, और मैंने बड़े अपने भाव से मैंने उनसे कहा कि नहीं गुरुजी फिर भी आप हमको कुछ तो सिखलाइए। कहले मुन्ना कितने दिन से आ रहे हो तुम मेरे पास में, हमने कहा कि भाई 2.5-3 साल तो हो ही गए आपके पास में आते हुए, तो क्या तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा। मैं हकीकत मेरा भी ये मेरा रोंग खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या तुम अब तक कुछ नहीं सीखे, मुझको एक झटका सा लगा, और मैंने कहा कि नहीं, मुझको याद आया कि लोग जो सुनने वाले थे उन लोगों ने कहा कि भाई मुन्ना जी आपके गाने बजाने में तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। तो हमने कहा कि नहीं गुरुजी है तो ज़रूर चेंजिंग, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि मैं तुमको नहीं सिखला रहा हूँ। और फिर बाहर वो निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर हंसने लगे, हमारे पीठ पे हाथ दिए, उन्होंने कहा कि अच्छा मुन्ना एक चीज़ बतलाओ, सुने होगे तुम कि भाई ये कलाकार 20 साल तक अपने गुरुजी से सीखा, 20 साल के बाद ये कलाकार अब स्टेज पे आया है, कोई 25 साल सीख के स्टेज पे आया, 25 साल और 20 साल उसने क्या सीखा, ये बड़े बड़े विद्वानों ने तो 8 साल का कोर्स ही बनाया, 8 ईयर्स का कोर्स ही है, फिर ये 20 साल और 25 साल क्यों लगे, कैसे लगते हैं, तो नहीं लगने चाहिए, 8 साल का कोर्स ही है। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं लगते हैं, कैसे लगते हैं कि 10 साल तो अपने शिष्य के संस्कार को बनाने में लगते हैं, कि उसके रूम रूम में संगीत घुस जाए, और जब उसके रोम रोम में संगीत जब घुस जाता है तब वो सीखना शुरू होता है, उनके सिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब वो ग्रैप्स करते हैं, और तब जाके वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी में 20 साल या 25 साल लगते हैं संगीत की साधना और सीखने में, और कुछ नहीं, बड़े बड़े विद्वानों ने तो 8 साल का कोर्स ही बनाया। तो ये एक वाकया हम इसलिए चर्चा जो है सो किए, क्योंकि ये वाकई प्रेरणादायक है कि मैं भी उसी प्रेरणा से ग्रसित हुआ
और कृपा है उन गुरुओं का, मुझको बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार और स्नेह मिला, खासकर जितने भी गुरु रहे मुजफ्फरपुर शहर में। मैं जिनके पास भी गया, श्यामलाल गुरु जी यहाँ के अच्छे गुरु थे, उनके पास भी मैं गया, तो जब मैं जाता था तो बड़े आदर से मुझको वो बुलाते थे, नहीं नहीं मुन्ना आओ आओ बैठो, और वो कुछ ना कुछ बतलाते, वो जानते थे कि ये मेरा शिष्य नहीं है, मेरा ये शिष्य नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनके पास मैं जाता था उतना इतना स्नेह था उनसे मुझको, जब भी मैं जाता था तो वो कुछ न कुछ अलंकार लिखवाते थे, मुन्ना ये कर लो गला तैयार होगा, वो खुद अपने से दे दिया करते। और यही कारण है छोटे हमारे जो जूनियर्स हैं मुजफ्फरपुर में उनका भी प्यार बहुत ज़्यादा आज भी मिलता है, और जो गुरु रहे हैं और आज जो गुरु हैं अभी अलाइव, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी उनका आशीर्वाद मुझको मिलता है, और वही आशीर्वाद है कि उन लोगों का ही आशीर्वाद मुझको आकाशवाणी पटना पहुंचाया और मैं सुगम संगीत का वहां का आर्टिस्ट बना, और आज भी मैं संगीत कर रहा हूं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि संगीत सीखने में आखिर वक्त लग क्यों जाता है 20 से 25 साल, किसी किसी को उससे भी ज़्यादा, जबकि संगीत के लिए जो उम्र बताई गई है, जो इयर्स बताए गए हैं, वो मात्र 8 है। जैसे हम लोग BBA करते हैं, मात्र 4 साल में हमारा वो कोर्स खत्म हो जाता है, फिर MA करेंगे, फिर PhD करेंगे, तो वो समय काफ़ी कम होता है जो सीखने के लिए किसी गुरुजनों के पास जो जाया जाता है, जो 20 साल 25 साल का वक्त लगता है। इसके लिए तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी। हमारे गुरु जी एक शब्द कहते हैं कि एक जीवन में कभी किसी को संगीत नहीं आता, एक जीवन तो बस उसे समझने में लग जाता है कि संगीत है क्या, सीखने में तो बहुत छोटा पड़ जाता है। यह आपने बहुत अच्छी बात बता दी। एक वाक्य और आपको कहना चाहेंगे, बड़के गुरु जी के ही हमारे जो गुरु बाबा हुए श्री सीताराम हरिदंडकर गुरु जी, उनसे इसी हमेशा माने हालत उस वक्त ये था मेरा कि वो कहीं भी अगर मिल जाए कल्याणी चौक पे या कहीं भी मिल जाते, तो मैं उस वक्त साइकिल चलाता था, तो मैं साइकिल कल्याणी चौक पर लगा देता था, लगा दिया, और फिर मैं बड़के गुरु जी के साथ हो जाता था, और वो फिर चले जा रहे हैं, साइकिल कहाँ है नहीं है कोई था नहीं, उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ, और वही बोलते थे लास्ट में जब 84 की बात आपको बतला रहे हैं, एक ऐसे ही गुफ्तगू उनसे चल रही थी, बहुत सारी बातें बतलाया करते थे, इतना ज़्यादा मानते थे, माने इतना ज़्यादा कि मैं कह नहीं सकता हूँ, माने मानने का हालत तो ये था कि हम क्या बयां करें। उन्होंने कहा कि मुन्ना अब इस ज़िंदगी में जहाँ तक होना था हो गया, अब इसके लिए आगे की ज़िंदगी फिर जन्म लेंगे तब जो है सो इस संगीत की कुछ बातें आ पाएंगी। और उनके मानने का, उनके जो आशीर्वाद का, आज तक मैंने उनको नहीं देखा कभी भी वो अपने शिष्यों पे कभी वो गुस्साए हो, मैंने आज तक नहीं देखा, या किसी पे भी। लेकिन मैं पार्टिकुलर मैं अपनी बात बोलता हूँ कि मेरा रेडियो का आकाशवाणी पटना का मेरा इंटरव्यू था, ऑडिशन था मेरा, और जब मैं वहाँ जाने वाला था तो हमने गुरुजी को बतलाया, उस वक्त हमारे गुरुजी तो नेत्रहाट में थे, तो बड़के गुरुजी के पास में हम उस वक्त जाया आया करते थे, तो उनसे हमने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है सो आकाशवाणी से आया है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा आप जिस रोज़ जाने लगिएगा उस रोज़ आप हमको सुना ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या तैयारी करके जा रहे हैं। तो हमने क्या किया ना, बोले जाओ रियाज करो, तो हमने क्या किया, घर पे आए हम, और करीबन 5-6 रोज़ का वक्त था, जो मैं पर डे नियर अबाउट 1.5 घंटे 2 घंटे गाया करता था उस वक्त, मेरा मैं अपने आप को रियाज, जो कि बड़के गुरुजी ने कहा कि भाई रियाज करो, तो हमने उसे 10 घंटे ले गए, 10 घंटे का रियाज, वो तो 5 दिन होते होते मेरी आवाज़ बंद गई। और शाम में एक लड़का आता था प्रकाश करके, तबला बजाता था, वो आता था हमको प्रैक्टिस करा देने के लिए, वो जब आया, ठंडा का वक्त था, मैं तो उस वक्त गा ही नहीं पा रहा था, तो आया कि मुन्ना जी
हमने सिर्फ इशारे से कहा कि बोले ये क्या हो गया, ये जब वक्त आया दिखलाने का तब आपकी हालत ये हो गई। लेकिन चूंकि गुरुजी का आदेश था कि तुमको जाने से पहले मुझको सुनाना है, मैं गया उनके पास में और उनसे हमने कहा ओ मुन्ना जाना है आज। हमने जी पहले स्टीमर चला करता था पहलेजा घाट से पटना जाने के लिए, तो हमने कहा जी गुरुजी लेकिन हम जाएंगे नहीं पटना। क्यों? बोले गुरुजी मेरी आवाज़ लगी हुई है। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो ज़्यादा रियाज कर लियो ना तो थोड़ी सी आवाज़ लग गई। चल 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 चलो मुझको। फिर संगीत रूम गए, संगीत रूम खुला, मेरे सामने में हारमोनियम मैं उठा के लाया। बोले हाँ क्या तैयार किया हो थोड़ा हमको सुना दो। मैं जो गाया तो जैसे मैं शुरू किया कि मेरी आवाज़ भूख से उड़ गई, मेरी आवाज़ जो उड़ी तो हमने हारमोनियम बंद कर दिया, कर दिया कि गुरुजी मुझसे नहीं गाया जा रहा, हम नहीं जाएंगे पटना। इतना कहना मैं आज तक उनको कभी इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। वो मेरे लिए आशीर्वाद, और वो इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझ ली, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हो, तुमको जाना है और अभी तुमको गाना है। मैं भी गुस्से में आ गया, अब ये ज़बरदस्ती बोल रहे हैं नहीं जाना ही है तुमको गाना ही है। मैं क्या कहूँ आपको कि मैं जब गाना शुरू किया तो एक लाइन मैं गाता था उसमें नियर अबाउट 10 मरतबे आसपास में 10 बार मेरी आवाज़ भुक भुक उठती थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था। मैंने पहले गीत एक गाया, उसके बाद से उन्होंने कहा कि हाँ बस ठीक है और दूसरा क्या तैयारी की हो। हमने कहा गुरु जी भजन है, तो हाँ सुनाओ। भजन भी मैंने गाया लेकिन आवाज़ वो अब वैसे ही चिल्ला के मैं गा रहा था, कंट्रोल करके नहीं, क्योंकि हम तो ये हो रही थी कि मेरी आवाज़ लगी हुई है और बार बार ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुमको गाना ही है, तुमको जाना ही जाना है। उसी गुस्से में मैं था और वो बिगड़ गए हुए थे बहुत। आज तक उनको बिगड़ते हुए हमने कभी नहीं देखा था, किसी शिष्य पर भी उन्होंने अपने शिष्य पर भी नहीं बिगड़े हुए थे। हमारा तो दादा पोता का रिलेशन था उनसे, और जब वो बिगड़े तो मैं गाता रहा, उसकी आवाज़ से आवाज़ भुक भुक मेरी कटती रही। 2 गाने के बाद बोले हाँ ठीक है, अरे अच्छी तैयारी किए हो। तब उन्होंने बड़े बड़े इत्मीनान से उन्होंने टेक्निकली बातें बतलाई कैसे तुमको गाना है, कितनी आवाज़ तुमको ब्लो करना है, कितना साउंड प्रोडक्शंस तुम्हारे होने चाहिए, कि कितनी दूरी पे तुम्हारा डिस्टेंस होना चाहिए माइकिंग का, कैसे वहाँ गाओगे, इन सब चीज़ों का टेक्निकली कुछ चीज़ें उन्होंने हमको बताया, उन्होंने बतलाया। और बजाबता उन्होंने इतना ही कहा कि अरे मुन्ना क्यों घबराते हो, अरे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जाके देखोगे तो कि वहाँ होता क्या है। और उनका आशीर्वाद था, जिस वक्त मैं जा रहा था उन्होंने इतना ही कहा था कि स्टूडियो में जाने से पहले अपने गुरु का नाम नहीं भूलना, अपने गुरु को ज़रूर याद करना। तुम किन के शिष्य हो? तो हमने उस वक्त कहा कि मैं तो संतलाल दास जी का शिष्य हूँ। मैंने कहा उनसे मैं तो संतलाल दास जी का शिष्य हूँ। कहले गुड, तुम अपने गुरु जी का नाम याद करना, स्मरण करना नहीं छोड़ना स्टूडियो में इन करने से पहले। और भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद, उन्हीं के आशीर्वाद से, नहीं तो मैं तो 75% मेरी आवाज़ ख़त्म थी, 25% आवाज़ को लेके मैं पटना गया हुआ था। लेकिन मेरा उस ऑडिशन में मैं क्वालिफाई किया और मुजफ्फरपुर का मैं पहला व्यक्ति जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट जाती है, और ये बढ़ के गुरु जी का ही आशीर्वाद था जो मैं 12 साल नियर अबाउट रेडियो से गाया और आकाशवाणी, ये दूरदर्शन में तो कई एक रिकॉर्डिंग वगैरह सब है, कई एक वगैरह जाती आती रहती है। तो ये चीज़ें रहा मेरे लाइफ का अचीवमेंट। अब आप हमें ये बताइए कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपने परिवार से कैसा सहयोग मिला संगीत के लिए?
ऐसा है कि परिवार में हमारे कोई संगीतज्ञ नहीं था, लेकिन हमारे सारे घर में लोगों को संगीत से शौक ज़रूर था। क्योंकि मैं जब कार्यक्रम वगैरह देने के लिए जब जाता था, मेरे पिताजी थे उस वक्त, तो जब मैं जाता था तो हमारे फादर हमारे सामने में नहीं होते थे वो, लेकिन वो सुनते ज़रूर थे और घर में आके माँ से चर्चा करते थे, अम्मा से बतलाते थे कि हाँ ऐसे ऐसे देखे हैं आज वो गा रहा था, ऐसे ऐसे स्टेज पर जो है सो था वो। तो ऐसा नहीं, हमारे हमको घर से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ ये चीज़ ज़रूर था कि उस वक्त थोड़ा सा मैं भी नहीं चाहता था, हम लोगों की भी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। मुझको याद है कि मैंने पहला हारमोनियम मैंने 300 रुपये में ख़रीदा था, और वो भी पैसा बड़े बड़े, जब कभी हम जाते थे कहीं स्कूल वगैरह तो मम्मी से बोलते थे, अम्मा से बोलते थे कि अम्मा कुछ पैसा जो है सो, तो 10 नया पैसा 5 नया पैसा मिलता था, उसको इकट्ठा कर कर के हमने 300 रुपये में एक हारमोनियम हमने परचेज़ किया था, एक हारमोनियम हमने परचेज़ किया और उसी पर हमने रियाज़ किया, और उसी पर रियाज़ करके जो मैं आकाशवाणी की बात बोलता हूँ या जो आगे के सफ़र जो संगीत के रहे, वो बाद में चल के हमारे एक दोस्त बुजुर्ग फ्रेंड, जिस वक्त हमने संगीत शुरू किया था वो भी लड़का तबला शुरू किया था, एक अरविंद कुमार, हम लोग ललन ललन कहते थे, हमारा बुजुर्ग फ्रेंड था, तो वो एक तरफ वो तबला शुरू किया था और मैं एक तरफ गाना शुरू किया था। तो बाद में चल के वो तो खैर तबला छोड़ दिया, वो SBI का स्टाफ हुआ, अभी तो फ़िलहाल वो गुज़र चुका है, 2-3 साल हुए उसको एक्सपायर किए हुए। लेकिन बाद में चल के उसने तो एक मरतबा, उसकी बेटी बहुत अच्छा गाती थी, उसकी बेटी, उसने कहा कि हमारे पास में आया कि मुन्ना देखो ना हमारी बेटी गिफ्ट मांग रही है, जो हमको बोली है कि हमको हारमोनियम जो है सो गिफ्ट दीजिए। तो देखो मेरे पास में तो पैसा नहीं है जो मैं हारमोनियम ख़रीद सकूँ, हमने ऐसा करो मेरा हारमोनियम ले जाओ। मैं जो वो पहला हारमोनियम जो मैंने 300 रुपये में ख़रीदा था, वो हारमोनियम मैंने गिफ्ट कर दिया अपने दोस्त को कि भाई ले जाओ, चूँकि बेटी तुम्हारी बहुत अच्छा गाती है उसको ये गिफ्ट कर दो। उसने डिमांड किया है कि हमको हारमोनियम चाहिए, चूँकि उस वक्त मेरी भी स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर बाद में चल के हमने एक फिर हारमोनियम लिया, जो आज भी मेरा हारमोनियम वही हारमोनियम है, उसी पर मैं रियाज वगैरह करता हूँ। बाद में चल के तो फिर तानपुरा हमने लिया, तानपुरे पे ही रियाज़ किया, क्योंकि क्लासिकल सीखना ज़रूरी है। और आप अगर क्लासिकल का रियाज अगर नहीं किए, क्लासिकल आपने अगर नहीं सीखा, तो आप लाइट भी अच्छा नहीं गा सकते। एकदम ये बहुत हकीकत में बयां कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ गुजरा है, इन दिनों जो मेरे साथ गुजरा है वो यही चीज़ है। और जो परेशानी की बात है, तो चूँकि मैं 1976 में मैं भारत वैगन ज्वाइन किया और उस वक्त से मैं सर्विस करता रहा, तो फैक्ट्री में तो आपको अमूमन कलाकार कम मिलेंगे ही नहीं, वो लोहा लक्कर में। लेकिन हम अपने संगीत को ज़िंदा रखें, हमने कभी उसको अलग नहीं किया, हम उस लोहा लक्कर में भी अपने संगीत को हमने ज़िंदा रखा, और जो आज भी हमारे लिए, अब उस वक्त तो एक पैशन भी था मेरा, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं जॉब कर रहा था, और लेकिन पैशन मेरा शुरू से था, आज वही मेरा प्रोफेशन हो गया। आज प्रोफेशन ऐसे हो गया कि जब मैं रिटायर किया तो उसके बाद से मैं यहाँ एक सेंट जोसेफ स्कूल है, मैं उसके आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का HOD हूँ, और मैं वहाँ अभी कार्यरत हूँ। चूँकि शरीर भगवान की कृपा है, ये शरीर साथ दे रहा है, संगीत को मैं अब तक ज़िंदा रखे हुआ, और आज भी मैं साधना करता हूँ, आज भी मैं साधना में कमी नहीं है। या सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में सिर्फ रियाज ही नज़र आता है, मैं सुबह उठता हूँ नियर अबाउट 1.5 घंटे 2 घंटे मैं रियाज करता ही करता हूँ, और फिर शाम में और नहीं कुछ तो कम से कम स्वर अभ्यास ज़रूर करता हूँ।
हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, संगीत सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए मुझको कभी भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। ये कृपा है कि ऐसे, भगवान की कृपा है कि ऐसे गुरु मुझको मिलते चले गए जिन्होंने मुझको सिखलाने के लिए उन्होंने कभी डिमांड नहीं किया या कभी उन्होंने पैसे की चर्चा नहीं की। आज भी मैं भी वही करता हूँ। ये ज़रूर है कि जब मैं कार्यक्रम में जाता था, अब तो खैर कार्यक्रम में भी नहीं जाता हूँ, मैंने तो ऑर्केस्ट्रा में रोरिंग में कार्यक्रम करता था ऑर्केस्ट्रा का, लेकिन अब तो चूँकि 2-4 साल से तो अब जाता ही नहीं हूँ कार्यक्रम में। और यदा कदा कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया तो चले गए, नहीं तो बस वही स्कूल करना है और आना है, बच्चों को वहाँ सिखलाना है। घर पे अगर कोई आ जाते हैं तो मैं आज तक कभी भी किसी से कोई डिमांड नहीं किया कि आप हमको पैसा दीजिए ना। जब कोई भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए तो मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि भाई सर कितना मुझको पैसा लगेगा। हम बोले भाई अगर तुम दे सकते हो, अगर तुम देना चाहते हो मुझको कुछ, तो संगीत सीख, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझको पैसा नहीं चाहिए और ना आज तक मैं किसी से भी पैसा, हाँ कार्यक्रम में जाता था या कहीं एक दो ट्यूशन वगैरह भी मैं करने लगा था बाद में, जब हमारे गुरुजी ने, रिटायरमेंट के बाद की बात है, नहीं तो पहले तो मैं कहीं जाता भी नहीं था, मैं किसी को सिखलाता भी नहीं था, इसलिए कि मैं तो खुद सीखता था, मैं क्या किसी को सिखलाऊंगा भाई, मैं क्या जानता हूँ जब मैं किसी को सिखलाऊंगा। लेकिन जब मैं रिटायर किया उसके बाद से लोग ने परेशान किया कि नहीं नहीं आप जो है सो कुछ सिखलाइए, हाँ वहाँ मैं पैसा ज़रूर लेता था क्योंकि मैं उनके यहाँ जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो कोई भी आज तक आया और जहाँ तक हो सका मैंने उनको सिखलाने की कोशिश किया, और वो बगैर रेमुनरेशन के, मैं सिर्फ इतना ही कहता था, कोई भी आता है या कोई भी पूछता है मुझसे कि मुझको कितना देना पड़ेगा गुरुजी, मुझको कितना देना पड़ेगा, हम बोले भाई अगर तुम देना ही चाहते हो तो बस संगीत सीख लो, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं यही बात कहता हूँ हर बच्चों से जो भी आते हैं, और जो आए तो कुछ लेके गए, जो ना आए वो ना लिए। ये जो आपने बात कही संगीत बिना पैसा के सिखाने वाला, मुझे लगता है कि शायद इस दुनिया से परे है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे लोग को नहीं देखा। मैंने भी बहुत जगह संगीत सीखी है, बहुत गुरुजनों के पास गया, लेकिन ये चीज़ आज तक मुझे किसी से देखने को नहीं मिला। मैं कहता हूँ इस दुनिया से परे है ये बात, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन है क्या ना कि आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी सी है, अब जो संगीत कर रहे हैं, जैसे देखो मेरा बेटा ही है, वो भी जो सीख रहा है, रजनीश जी हैं पटना में, उन्हीं के पास में वो सीखता है, वैसे यहाँ परमानंद जी से सीखता था, और यदा कदा जब किसी कभी कोई चीज़ ये होता है तो हमसे आके बोलता है कि पापा हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही, तो जहाँ तक हो सकता मैंने वो, लेकिन हम कहते हैं भाई तुम जाओ यहाँ जो है क्या बोलते हैं मुरारी हम लोग का साथी जो उसके यहाँ भी वो जाता था सीखने के लिए, और परमानंद जी कह रहे कि संगीत एक ऐसी विधा है भैया जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लेना चाहिए। मैं एक बच्ची को जाता था सिखलाने के लिए, प्रभात तारा की लड़की थी, हमने उससे कहा कि भाई जैसे मैंने शुरुआत किया तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बेटा हमको कुछ चीज़ सुनाओ, कुछ गाना सुनाओ, कहले गुरुजी हम आपको एक गाना सुनाए, हम हाँ सुनाइए आप, तो उसने गाया इतनी शक्ति हमें देना दाता, और देखो जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में नहीं है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, ये जो करती थी वो, ये पर्टिकुलर ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, लेकिन उसके गले से इतना खूबसूरत निकलता था। मैंने कहा बेटा थोड़ा एक बार और गा दो, थोड़ा मैं जान लूँ कि तुम कैसी करती हो। तो ये है सीखने का एटीट्यूड,
हमेशा आदमी को इस बात की सोचना चाहिए कि हमेशा हम अपने सीखने की जो एटीट्यूड है वो हमेशा जहाँ भी मिले बस यूँ हाथ पसारे हो ले, चाहे अपने छोटे से हो तब चाहे अपने सीनियर से हो, ये एटीट्यूड बहुत आवश्यक है। आज के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें जो वचन दिया मैं जिंदगी भर उसे नहीं भुला पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके जो आपने हमें कुछ कुछ टिप्स बताई जो अपने गुरुजी के बारे में बताया, और वो एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा जहाँ पे बताया है सर ने कि सर गुरुजी के पास कैसे गए और उन्हें बोले कि मुझे कुछ सिखा दीजिए, मुझे अब तक अपने कुछ नहीं सिखाया, तब जो उन्होंने बात कही वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आशा करता हूँ आप लोग भी कभी नहीं भूलेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ शिकायत है या फिर और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।